श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल शिवसार में। आज हम बात करेंगे कि अपने शिव महापुराण के अनगिनत उपदेशों में से 5 उपदेशों के बारे में। ये आज का हमारा पार्ट 3 बन रहा है। इसमें से पहला है, अपने कार्यों में सावधानी और निष्कलंकता बनाए रखिए। अपने कार्य को पूजिए और उस कार्य में सावधानियाँ भी रखिए। अपनी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, वो है आत्मा को शुद्ध रखने के लिए तपस्या का अभ्यास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा की शुद्धि हमारे लिए नियंत्रण साबित होती है अपने मन पर, इसलिए मन नियंत्रण हेतु आत्मा शुद्धि अवश्य रखें। तीसरा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और इंद्रियों के विवशित ना हो। इंद्रियों के प्रति आग्रह पड़ जाना बहुत हानिकारक हो सकता है। ये एक तरह से आपको उस चीज़ों की तरफ आकर्षित कर देता है जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, इसलिए अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। चौथा, कर्मों को फल के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए करो। अपने कार्य को पूजा की तरह इस्तेमाल करो। अपने कार्यों को पूजा की तरह देखो, उसे पूजो। पूरा कार्य पूरे मन के साथ करो और फल की अभिलाषा के पीछे मत भागो। फल तो हमारा शिव हमें अपने आप दे देगा। पांचवा, भक्ति में लगे रहो और भगवान के प्रति प्रेम बनाए रखो। भगवान के प्रति हमेशा भक्तिमय रहो। हमेशा ये सोचो कि जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिला था और जो मुझे मिलने वाला है, ये सभी शिव की देन है। ऐसा सोचने पर आप ये समझ जाओगे कि शिव जी तो हमारे लिए अच्छा ही देंगे। तो सभी चिंताओं को दूर करो। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे अनगिनत शिव महापुराण के उपदेशों में से 5 उपदेश। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपदेशों के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।